बीएमएस के फर्स्ट सेशन को लेकर हुआ सेमिनार बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा कराया गया था। सेमिनार पूरे प्रदेश से आयुर्वेद के कई प्रोफेसर रहे मौके पर मौजूद। खबर तो प्रदेश के मोहनपुर से है, जहां बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मऊ में बीएमएस के नव प्रवेश छात्रों के ट्रांजिशनल क्यूरिकुलम का शुभारंभ हुआ। संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष ने अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन किया है। कि पतियों को डांटे जरूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे स्लो पाए जाए, धीरे धीरे डोज बढ़ाएं। अच्छा बूस्टर डोज आपने दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसा ही पतियों को भी करना चाहिए। पति तो बेचारे बहुत कमजोर होते हैं, वो कहां डांटते हैं, वो तो एडजस्ट करने वाले लोग होते हैं। एडेप्टेबिलिटी उन्हें भगवान ने देके भेजी है। आप कहते रहिए, यहाँ से सुनेंगे, बाहर से निकाल देंगे, कल फिर डांटिएगा, कल फिर निकल जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। समाज के लिए एक बहुत उपयोगी विद्यार्थी के रूप में निकल करके समाज की सेवा करेंगे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस महाविद्यालय को, बापू आयुर्वेदिक कॉलेज में चिकित्सा की वो सारी सुविधाएं, क्योंकि जब तक आप रोगी का प्रॉपर निदान नहीं करेंगे, आपके पास डायग्नोसिस के सारे साधन हैं, और उन डायग्नोसिस के साधनों में आयुर्वेद और एलोपैथी को मिला करके जिस प्रकार से बच्चों का ज्ञान वर्धन किया जा सकता है, वो करने का यहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधा से निकले हुए छात्र समाज के लिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है कि हम एक स्वतंत्र स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की स्थापना कर पाएंगे, उसमें आयुर्वेद के विद्यार्थी बहुत बड़ा योगदान देंगे। सर आसान तरीके से आपने आयुर्वेद और एलोपैथ के बारे में लोगों को बताया, पति पत्नी, तो आयुर्वेद कौन है और एलोपैथ कौन है? देखिए, इसमें पति पत्नी का भाव दोनों के लिए बताया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एलोपैथी का हम निंदा नहीं कर सकते, हर विधा की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी कुछ अच्छाइयां कुछ कमियां होती हैं। एलोपैथी अपने आप को संक्रामक रोगों में इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, बिना एलोपैथी के हमारा आज की स्थिति में काम नहीं चल सकता। ट्रिपल ए, 3A, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स माने पेट दर्द की दवाइयां, और एनेस्थीसिया, आज इन तीन चीजों की आयुर्वेद में खोज चल रही है। और खोज क्या चल रही है, हमारी थी चीजें पुराने समय में, महाभारत काल से लेकर के रामायण काल तक हम चिकित्सा करते थे, ऑपरेशन करते थे, सब चीजें होती थी। आपको आश्चर्य होगा कि सुसु संहिता में जो आपकी सर्जरी है, फेको टेक्नोलॉजी, जिससे कि आज हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, वो हमारी सुसु संहिता के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन सर, लाभ की बात करें तो एलोपैथ की दवा खाने में तुरंत लाभ हो जाता है? वो तुरंत जो लाभ होता है, वो आज निश्चित रूप से ये प्रमाणित है कि सारी मेडिसिन में दुष्प्रभावों से युक्त है, और बिना उसके दुष्प्रभाव के आप रुक नहीं सकते। इसलिए उनके लिए अभी राय साहब ने बताया कि साइड मेडिसिन में देनी पड़ती है, लेकिन आयुर्वेद की औषधियां जो कि हमारे कारण की चिकित्सा करती हैं, जिससे इनके द्वारा प्राप्त हुआ जो लाभ है वो स्थायी होता है और रिकरेंसेस को रोक सकता है। एक छोटा करने की जरूरत है लोगों को अभी भी आयुर्वेद के बारे में, बिल्कुल जागरूक ये करना है कि आपके घर में, हमारे किचन में उपलब्ध जो मेडिसिन है, यही हमारी बहुत बड़ी फार्मेसी है कि आपको घर में उपलब्ध औषधियां, हल्दी, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, ये सारी चीजें औषधियों के गुणों से भरपूर है। तो इनका कब प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, इसकी जानकारी हर बच्चे को होना चाहिए, हर परिवार को दिया जाना चाहिए। और आयुर्वेद आज हेपेटाइटिस बी की मैं एक बात करना चाहता हूँ, लिवर की बीमारी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये साध्य नहीं हो सकती। आयुर्वेद की 5 औषधियों से GH89 नाम की मेडिसिन मेरे अंडर में रिसर्च हो रही है। 3,000 रोगियों को मैंने मुक्त किया है हेपेटाइटिस बी से, और उस मेडिसिन की कीमत क्या है, ₹5 पर टेबलेट, और रोगी ठीक हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी में जहाँ डॉक्टर्स कह देते हैं नथिंग कैन बी डन, इनका जीवन केवल 2 महीने का है, 3 महीने का है, आयुर्वेद औषधियों से उनके जीवन में कुछ वर्ष, महीने और दिन हम जोड़ सकते हैं, उनकी दिनचर्या, जीवन शैली और क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, लेकिन जो घरेलू नुस्खे हैं उससे तो आयुर्वेद के जो डॉक्टर, एलोपैथ के जो डॉक्टर हैं उससे दूर रखते हैं, कहते हैं जो घरेलू नुस्खा उस पर इस्तेमाल नहीं करना, जो हम कहेंगे वो इस्तेमाल करना। देखो, उसका कारण ये है कि जिनको जिस पैथी का ज्ञान है, एलोपैथी के जिन चिकित्सकों को आयुर्वेद का ज्ञान है, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जो जिस पैथी का ज्ञान ही नहीं है तो वो व्यक्ति बोल सकता है। हमसे अगर आप पूछेंगे एलोपैथी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, मैंने ग्रेजुएशन किया, एलोपैथी का सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MD किया, और उन्हीं लोगों के साथ में किया जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर थे, वो हमारे गाइड, को गाइड रहे, तो हम उनके बारे में बता सकते हैं कमियां। जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में जाना नहीं, वो आयुर्वेद कमी क्या बता पाएंगे। इसलिए आयुर्वेद की औषधियां निरापद हैं और इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में आयुर्वेद हमारे लिए एक ऐसी विधा के रूप में स्थापित होगा जो कि भारत को विश्व गुरु को दर्जा दिलाएगा।